हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मीशो हॉल अनबॉक्सिंग वीडियो। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स में आपको शो करने वाली हूँ। कुछ यहाँ पर होम डेकोरेशन आइटम्स हैं और कुछ ज्वेलरी सेट्स हैं, तो वो आपको मैं शो करने वाली हूँ कि क्या क्या मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस वाले बॉक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। ये छोटा वाला जो है, इससे ये मैंने एक पहले भी ऑर्डर किया था, मुझे 99 रुपीज़ में रिसीव हुआ था। उस पर सोते वक्त जो दुआ पढ़ते हैं वो लिखी हुई थी और यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है। तो ये मुझे 120 रुपीज़ में रिसीव हुआ है और ये बहुत ही अच्छा है। जब आप इसे रात में ऑन करते हो तो इसमें कलरफुल लाइट चलती है और आपको कलमा भी दिखाई देगा लिखा हुआ। उसके अलावा यहाँ पर जो बिल्कुल अंधेरा होता है वो भी नहीं रहेगा, थोड़ी बहुत इससे रोशनी भी हो जाती है। तो एक छोटे से नाइट लैम्प की तरह काम करने वाला है। तो दूसरा प्रोडक्ट भी मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेंटिंग्स है, वॉल पेंटिंग्स जो कि मैंने थोड़े दिन पहले ऑर्डर की थी, जो 140 रुपीज़ में मुझे रिसीव हुई है और 3 के सेट में मुझे ये रिसीव हुई थी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी और क्लासी सी लग रही है। ब्लैक कैनवास पर ये 3D टाइप का फ्लावर बने हुए फ्लावर वास, तो ये एलिगेंट भी लग रहा है, सिंपल है, मतलब मुझे काफ़ी पसंद आया था ये वाला जो वॉल पेंटिंग्स है। बहुत ही लाइट वेट है और इसको लगाना भी बहुत इजी है। किल विल बिल्कुल नहीं ठोकनी है, सिर्फ यहाँ से पील करना है और स्टिक कर देना है और बहुत इजीली स्टिक हो जाएगी जहाँ पर भी आप इसको स्टिक करोगे। डबल साइडेड टेप है, कभी अगर ख़राब भी हो जाती है तो नॉर्मली आप डबल साइडेड टेप लगाकर किसी और जगह भी इसे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सही प्रोडक्ट है, अगर आप चाहो तो ले सकते हैं आप। और ये वाला जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये एक नेकलेस सेट है और अभी तक का सबसे ज़्यादा मेरा जो पसंदीदा प्रोडक्ट हो कह सकते हैं या फेवरेट हो चुका है ये मेरा मीशो से लिया हुआ ये प्रोडक्ट। और आप खुद देख सकते हैं ये है ही इतना प्यारा। मैं इसे शायद थर्ड टाइम आपको शो कर रही हूँ क्योंकि मुझे खुद इतना पसंद आ रहा है, बार बार मैं आपको शो किया जा रही हूँ। कभी शॉर्ट्स में तो कभी मैंने इसे मिंत्रा हॉल में भी आपको शो किया था कंपेरिजन वीडियो में कि जो मिंत्रा से मैंने जो नेकलेस या ज्वेलरी सेट लिए थे वो और इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत प्यारा है। अमेरिकन डायमंड स्टोन इसमें लगे हुए हैं और इयररिंग्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे और बिल्कुल फिनिशिंग से किया हुआ है इस पर जो भी वर्क है। और इस प्राइस रेंज में अमेरिकन डायमंड ज्वेलरी मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है। मैंने 1300 अप्रॉक्स में ये वाली ज्वेलरी सेट ऑर्डर किया था। और इसके अलावा भी एक मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है मीशो से लिया हुआ जो कि मैं एंड में आपको दिखाने वाली हूँ। उससे पहले एक और ज्वेलरी सेट में दिखा देती हूँ। ये 1300 रुपीज़ का था अभी वाला और ये मैंने बिल्कुल बजट में लिया है। मैं ट्राई करना चाह रही थी कि देखने में काफ़ी प्रीटी सा लग रहा था पिक वगैरह में जब मैं देख रही थी इसको, तो ये शायद 150 अप्रॉक्स मुझे रिसीव हुआ है। और इसमें व्हाइट और पिंक कलर के स्टोन्स लगे हुए, स्टोन के नीचे जो कुंदन टाइप के शायद प्लास्टिक है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इस प्राइस में बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लग रहा है। उससे कंपेयर नहीं करना है हमें क्योंकि उसकी प्राइस भी अलग थी और इसकी काफ़ी अलग है। तो यहाँ पर मुझे सही लगा, एडजस्टेबल है, किसी भी टाइप के नेक पर फिक्स हो जाएगा। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये जो बैक पर इसका दिया हुआ है हुक टाइप का, या क्या बोलते हैं, मतलब ये थोड़ा सा उभरा हुआ है। पहनने पर वैसे इरिटेट तो नहीं करता, लेकिन गलती से अगर किसी बच्चे का भी हाथ गले पर टच हो जाता ना तो ऐसा वाला जो होते हैं ना उसे लगती बहुत तेज़ है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी इतना नहीं माइंड कर सकते इस चीज़ को भी लेके कि हाँ अच्छा नहीं है। ओवरऑल बहुत सही है। इयररिंग्स आप देख सकते हैं इस टाइप के हैं, मतलब एक फ्लावर टाइप जैसा कुछ बना हुआ है, मतलब पत्तियाँ जैसी बनी हुई है, फ्लावर नहीं फ्लावर और उसके साथ में पत्तियाँ बनी हुई है। यहाँ पर एक स्टोन इन्होंने अलग कलर का पता नहीं क्यों लगा दिया, ऐसा लग रहा है इसका स्टोन निकल गया। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही डिफेक्ट था थोड़ा सा। और यहाँ पर ये फाइनली जो मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये वाला होम डेकोर आइटम, तो आप भी देखोगे तो शायद आप भी लेने का मन बना लोगे। तो यहाँ पर एक मैंने मून लैम्प ऑर्डर किया था जो काफ़ी आपने वीडियोस वगैरह में देखे भी होंगे आपने। तो ये इस टाइप की सबसे पहले मुझे बॉल रिसीव हुई है, प्लास्टिक या रबर मिक्स का कुछ ऐसा सॉफ्ट सा प्लास्टिक होता है ना वो मटेरियल है इसका। और ये काफ़ी टेक्स्चर्ड है, आप देख सकते हैं ये प्लेन नहीं है, कहीं कहीं से उभरी हुई, कहीं ऐसे मतलब टेक्स्चर बना हुआ है इसका रफ सा। तो इसके साथ में मुझे यहाँ पर ये वुडन एंगल रिसीव हुए हैं जिसको इस तरीके से असेंबल करना है और आपका स्टैंड तैयार हो जाएगा। बस बहुत ही इजी है, एक बार फिक्स कर दोगे तो इस टाइप का शेप ये ले लेगा। अब इसके ऊपर आपने चांद को यहाँ पर रख दीजिए और यहाँ बैक पर स्विच दे रखा है ऑन ऑफ का और इसको चार्ज करना होता है। चार्जिंग के लिए आपको केबल भी मिल जाएगी, तो आप अपने मोबाइल अडेप्टर वगैरह में कहीं पर भी इसको अटैच करके इसे चार्ज कर सकते हैं। अब इसे मैं ऑन करके भी आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही प्यारा, बिल्कुल मतलब लाइट में तो थोड़ा इतना नहीं पता चलेगा, फिर मैं आपको अंधेरे में भी इसको दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल एकदम मून टाइप का देखिए इफेक्ट दे रहा है, बिल्कुल वही टेक्स्चर्ड वगैरह जो दिया था ना वो इसलिए था कि इफेक्ट है ना मून का जैसा दे रहा है, आप देख सकते हो। और बहुत ही प्यारा लग रहा था ये जब रखा हुआ था। और हाँ एक और ये देखिए, यहाँ पर इसको आप जब टैप करोगे तो इसका कलर भी चेंज होता है,
है ना। अगर लेना चाहते हो तो मैं सभी प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।